वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जो देश परदेश में उनको मेरी तरफ से खुशी से सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जो आज आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज व्लॉग जो है रात को बनाए थे पाए, तो आज उनको उनके सिस्टम के बारे में बताते हैं आज का, तो जुड़े रहिएगा मेरे व्लॉग के साथ। मेरे व्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, हमारी मोटिवेशन हो सके, ताकि हम अच्छे से अच्छे व्लॉग बना सकें रोज़ाना हमारा, क्योंकि रोज़ाना हम व्लॉग बना सकें, ऐसे में मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह या अपनी रूटीन वगैरह आपसे शेयर कर सकें, क्योंकि हम आपको अपनी फैमिली समझते हैं, इसलिए आपके साथ हर बात शेयर करते हैं। अब हमारे दिल को मतलब कि बढ़ाया करें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके चले। अब आज के व्लॉग साथ जुड़े रहिएगा, आपके साथ अभी शेयर करते हैं अपने डेली का व्लॉग। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। अभी है सुबह का वक्त, तो हमारी होगी मॉर्निंग। आज के व्लॉग में आपको दिखाएंगे मॉर्निंग। आज ठंडी ठंडी हवा थी, आज मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज रात बहुत मज़े की गुजरी और बहुत ठंडी। ये आराम से बैठे, आज स्कूल नहीं गया क्योंकि ये हो गया बीमार, इसको निकला लकड़ा काकड़ा। तो ये देखें जी, अभी सारा काम पड़ा हुआ है उसी तरह जैसे रात का बिखरा। अभी बच्चे स्कूल गए, ये स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पे इसके लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बनाऊँगी जी सैंडविच, और ये दो पेड़े बना के रखे थे, तो इन एक बनाया इनके बाबा के लिए, वो ये देखिए वो नाश्ता करके जा चुके हैं। तो अब रह गए मैं और एहराम, हमने नाश्ता करना। ये देखिए जी पड़ा हुआ, रात को बनाए थे जी मैंने पाए बनाए थे, रात को पाए बनाए थे। तो ये देखें जी, मैंने तो रख लिया, ये देखें जी ये पाए। अब इसको करेंगे गरम नाश्ते के लिए, और इसमें आपको बताया मैंने रात को जो वो आटे में डाल के ईस्ट और फिर नान लगवा लिए। ये देखिए जी, ये देखें, अब हम इसको जब हम लगाते हैं ना घी, तो ये बड़ा ही मज़ेदार सा एक रोटी मज़े की बन जाती है। ये लीजिए, अब ये देखिएगा कितनी मज़ेदार। एक ही रोटी बची थी रात को, तो ये अभी मैं खाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है रात की रोटी को घी लगाना। आराम खाएगा सैंडविच, उसके लिए बनाऊंगी सैंडविच। ये दो पेड़े रखूंगी वापस, क्योंकि ये नहीं खा रहे, इनके लिए बच्चों के लिए बनाऊँ, आराम के लिए बनाऊँगी सॉरी सैंडविच। ये देखिए जी सैंडविच, ये तो ऐसे लगते हैं जैसे अफगानी नान होते हैं, इतना मज़े मैंने इसमें डाला है रात को आटे में डाला ईस्ट। ईस्ट आपको पता है ये ऐसा होता है, ईस्ट है ये, इसको डाल के तो मैंने आटा गूंद लिया था, फिर मार्केट में दे भजारियान को के वो लगवा के लाए तंदूर पे। तो अब इसके अलावा ये अभी गर्म करेंगे पाए, पाए खाएंगे इसके साथ हम। वैसे चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं ये वाली रोटी, चाय के साथ भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन चाय मैं पीती नहीं। ये देखिए जी, राम को निकल आया जी लकड़ा काकड़ा, और लकड़े काकड़े में तो आपको पता है घी वाली चीज़ जो है ये नहीं खाई जाती, और इसको वैसे ही मैं प्रेस करके, तो वैसे बस
लाइट रोस्ट करके, तो इसको साथ में आप साथ में इसको अंडा बना के, अंडा बना के क्या है राम, क्या कुछ भी सलाम कर दो ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं, कैसे हैं आप? बोलो, मैं तो आज ठीक नहीं हूँ। मैं तो आज ठीक नहीं हूँ, आप ठीक है ना? हाँ, कमेंट में बताएं जी आप ठीक हैं लोग, अपनी राय पेश करें कि आप कैसे हैं, ठीक हैं। एराम आपके अपने दोस्तों का हाल मालूम करना चाहते हैं, अपने कहना चाहते हैं कि पता नहीं कैसी है इनकी तबीयत, कैसी है सारे अपने अपने कमेंट्स बताएं, क्योंकि यार मौसम चल रहा है यहाँ पे लाकड़े काकड़े वाला, क्योंकि ओवरऑल सब बच्चों को निकल रहा है यहाँ पे स्कूल वगैरह के लिए। चलें जी, आप एराम के लिए बनाने लगी हूँ अंडा, या अब एराम के लिए बनाऊंगी अंडा। तो एराम को क्योंकि मना है खाना, पाई खाना मना है, क्योंकि कहते हैं कि लाकड़े काकड़े में पाई नहीं खाए जाते, तो इसलिए एराम पाई नहीं खाएगा और ये खाएगा अंडा और ब्रेड। कहता है मेरे गले में भी दर्द है, हाँ जी ये मिक्स अंडा बना रहे हैं। चलें जी, नाश्ता वगैरह करके फिर आपको डेली की रूटीन बताते हैं कि क्या गैस सफाइयाँ शुरू, अभी तो बहुत बिखरा पड़ा है, उसके बाद सफाइयाँ शुरू करते हैं। बैक तो स्टार्ट करते हैं जी, सफाई का मरहला जो अब स्टार्ट हो चुका है, नाश्ता वाश्ता ख़त्म। तो ज़रा कैमरे के रिजल्ट को करें इग्नोर आप लोग, तो इंशाल्लाह आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह नया मोबाइल भी आ जाएगा जी। तो लेकिन शर्त यह है कि आपने, ये देखिए जी झाड़ू पड़ा है, शर्त ये है कि आपके, आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, कमेंट करना है और वॉच करना है मेरी वीडियो को। तो ये मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं, क्योंकि जब एक दूसरे को इंसान देखता है तो वो मोटिवेशन होती है, और वो जो हैं अपने चुने राम साहब, ये देखें बुखार की दवाई पी है, लेकिन ये जो है ये आराम से लेटता नहीं, इसको मैंने बोला भी है कि बैठ जाओ सो जाओ अंदर लेटो आराम करो, पर नहीं लेटता, क्योंकि बच्चे कहाँ आराम करते हैं आपको पता है, मोबाइल के बगैर आराम नहीं होता। मोबाइल मेरे पास है, एक इकलौता मोबाइल है, ये अंदर का हाल देखें आप। तो अभी इन सबको सेट करना है, सेट करके तो रात को मौसम भी बहुत प्यारा था, मौसम बहुत मज़े का था, और सुबह आँख खोलने को भी दिल नहीं कर रहा था, कि दिल करता था बस, और अब जी बस ये स्कूल वालों ने छुट्टियाँ नहीं दी अभी तक, ना ही बच्चों को, बस बच्चे भी डिस्टर्ब हुए हैं, और ये आपको पता है प्राइवेट वाले तो इसीलिए नहीं देते छुट्टियाँ, क्योंकि उन्हें फ़ीस वगैरह की ज़रूरत होती है, फ़ीस जब तक नहीं देंगे ये लोग छुट्टियाँ नहीं देंगे। लेट जाओ अंदर जाके आराम। तो बस जी बस दुआ करें ये अल्लाह ताला खैर खरीत की वाली गर्मी पास करो, और हमारे लिए अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए। कल बारिश तो आई थी लेकिन बारिश बरसी नहीं, बस सब लोगों से यही दुआ है कि सब दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर खरीत से बारिश दे। कर ली है सारी सफाइयाँ शफाइयाँ हमने, तो सारा आज आपका शेड्यूल आपके साथ हमने शेयर किया है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, क्योंकि कैमरे को कीजिएगा इग्नोर। तो हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपनों के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।